हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद कैफ खान एंड आप सभी लोगों का स्वागत है। माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे कामयाबी का, सफलता का पहला कदम क्या है? पहला कदम यही है कि आप अपने पैकेज को बाय करें, जो भी वो कनेक्ट का पैकेज है। उसके बाद में अगर आपके नीचे जो भी लोग हैं वो पैकेज को बाय करते हैं, देन आपको कमीशन आता है। लेकिन बहुत सारे लोग यही विचार कर रहे हैं कि यहाँ पे इसी प्रकार से कंपनी लोगों को कमीशंस देने वाली है, जो कि सत्य नहीं है। यहाँ पे अभी हमारी शुरुआत हुई है, अभी हमारा कंपनी का पहला प्रोडक्ट पेड है, जो कि वो ओ कनेक्ट पूरी तरह से लॉन्च हो चुका है और वो मार्केटिंग में परचेसिंग हो रही है। मार्केट उसको यूज़ कर रहा है, फाउंडर्स उसको यूज़ कर रहे हैं, यूज़र्स उसको यूज़ कर रहे हैं और पूरी तरह से वो धीरे धीरे स्टेबल होता जा रहा है। लेकिन लोग ये क्या सोचते हैं? लोग यही सोच रहे हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे जो भी बाय करेगा, जो भी हमारे नीचे सेल होगी, उसका हमें कमीशन मिलने वाला है, जो कि पूरी तरह से सत्य नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, 2018 से कंपनी की शुरुआत हुई और आज 2023 चल रहा है, यानी कि 5 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं और इस 5 सालों में कंपनी में बहुत सारे बदलाव हुए और उन बदलावों में से एक चीज़ जो है कभी नहीं बदली है, वो है मिस्टर एस का विज़न। मिस्टर एस का विज़न क्या है? ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना और आप सभी लोगों को एक साफ़ सुथरी, एक सेफ़ एंड एक वाइट मनी आपको प्रोवाइड करना। कंपनी वादा करती है कि हमारे साथ जुड़ने वाले शुरुआती लोग जो भी हैं उनको हम फाउंडर कहते हैं और फाउंडर्स को यहाँ पे NDA में भी साफ तौर पे लिखा है कि उनको गारंटेड ट्रैफिक मिलने वाला है। तो काफ़ी सारे लोग जो भी सिंगल ID को लेकर हैं वो इस सब चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें यहाँ से वो ट्रैफिक जनरेट हो, जो कि मिस्टर एस हमें बोलते भी हैं। यहाँ पे जो इनिट टू विनिट का जो स्लोगन है वो पिछले 5 सालों से चलता आ रहा है और इससे ये कारवा बनता चला गया, जिससे लाखों लाख लोग ऑन पेस्यू में जुड़ते चले गए। और माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी बड़ी चीज़ें भी हो रही हैं और हम देखेंगे कि हमारे और भी सारे पेड प्रोडक्ट हैं जो कि मार्केट में आने वाले हैं। कंपनी मार्केटिंग करने वाली है, कंपनी लोगों को टारगेटेड ट्रैफिक देने वाली है। तो यहाँ पे अभी मात्र हम चंद कुछ 1% होने वाले हैं। मतलब बात करें अभी मिस्टर एस फारेसर की, जो कि पिछले वेबिनार में उन्होंने गणित पेश किया था हम सभी लोगों के साथ में, जिन्होंने बोला था कि 40% फाउंडर हो चुके हैं और 60% हमारे जो है ना वो यूज़र हो चुके हैं। तो यह आंकड़ा अभी 40-60 का है, आने वाले कुछ दिनों के अंदर 20-80 का होगा, फिर 10-90 का होगा, फिर आप सब लोग जानते हैं कि यूज़र और एफिलिएट्स की तादाद इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये जो आंकड़ा है माय डियर फ्रेंड्स, ये 1% और 99% का होने वाला है। तो यहाँ पे हम सब लोग जानते हैं कि हमारे NDA में और हमारी सफलता मिस्टर एस के हाथों में है, हमारे ट्रैफिक के हाथों में है। लेकिन हम कई बार कुछ अलग सोच लेते हैं, कई बार हम लोगों से ज़्यादा सोच लेते हैं, कई बार कंपनी के CEO से ज़्यादा सोच लेते हैं और वो हमें लगता है कि हम शायद उनसे ज़्यादा सोच रखते हैं, हम शायद उनसे आगे की सोच रखते हैं। शायद हम ये नहीं जानते हैं कि अगर हम उनसे ज़्यादा सोच रखते तो शायद ऑन पेस्यू के CEO हम होते, ना कि फाउंडर होते। हालांकि आप उन लोगों से बेहतर हैं जो लोग बाद में आने वाले हैं। अगर आप फाउंडर हैं तो आप उन लोगों से बेहतर हैं जो लोग बाद में आने वाले हैं, ये बात आप बिल्कुल आप मान लें। लेकिन यहाँ पे अभी कोई टारगेटेड ट्रैफिक अभी नहीं दिया जाएगा। जो एक्चुअल में कंपनी के पास ट्रैफिक है उसको टारगेटेड ट्रैफिक नहीं बोला जा सकता। माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी के पास में जो भी अभी ट्रैफिक है और जो मौजूदा हालात में जो ट्रैफिक है उसको टारगेटेड ट्रैफिक नहीं बोला जा सकता। टारगेटेड ट्रैफिक वो होता है कि एक कैंपेनिंग से जो भी ट्रैफिक प्राप्त हुआ उसको बोलते हैं टारगेटेड ट्रैफिक, और कोई भी प्रकार की अभी ऑन पेस्यू कैंपेनिंग नहीं किया है, चाहे वो बुर्ज खलीफा का एडवर्टीजमेंट हो, चाहे हमारा दुबई मॉल हो, चाहे हमारा कहीं ना कहीं वहाँ पे ऑन पेस्यू स्टेशन हो, चाहे हमारे कोई भी मार्केटिंग अभी शुरू हुई है, तो वो टारगेटेड ट्रैफिक अभी नहीं है। तो यहाँ पे जो भी अगर आपको भी मिलने वाला है, जो अभी आपको आने वाले समय में मिलेगा, वो टारगेटेड ट्रैफिक नहीं होगा। टारगेटेड ट्रैफिक की जो संभावनाएं हैं वो आने वाले कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेगी। कंपनी जब मार्केटिंग करेगी अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग एडवर्टीजमेंट करेगी, तो वहाँ से जो मिलने वाला ट्रैफिक है वो टारगेटेड ट्रैफिक होगा और उसकी तादाद बहुत ज़्यादा होने वाली है, लाखों में होने वाली है। मैं अगर बात कहूँ मिलियंस में होने वाली है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें सोचनी है कि ये कितने बड़े लेवल की चीज़ बनके तैयार हो चुकी है। अभी हम मार्केट में एक प्रोडक्ट है, लोगों को कमीशन्स आ रहे हैं, लोग अभी वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, ट्रैफिक का वेट कर रहे हैं, कंपनी की मार्केटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उन सब चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं, वेट फॉर नेक्स्ट वेबिनार, यानी कि नेक्स्ट वेबिनार का हम सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और हम सब लोग कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देख करके कंपनी को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं।
मिस्टर एस क्या बोलते हैं, मिस्टर एस बोलते हैं इन इट टू विन इट, बस बाकी किसी की बातों पर ध्यान नहीं देना है। कोई भी लीडर, कोई भी फाउंडर अगर आपको ये बोलता है कि यहाँ पे ये करना होगा, ये होगा, तो मिस्टर एस बोलते हैं कि जीरो विल बी हीरो। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो जाती हैं कि यहाँ पे कोई कुछ नहीं है, यहाँ पे सब एक समान है, एक समान यहाँ पे रखे गए हैं। और जब भी ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उसमें आप सभी लोगों का नंबर आएगा, उसमें मेरा नंबर आएगा और यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सब लोगों का नंबर आने वाला है। तो होप करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, देन हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।